अच्छा ये हमारे पास एक क्रेटोस होता है, ये इसकी दो टांगे हैं, ये बोर्ड है, इसमें कट है, एक में रबड़ होगी जिसको हम रबड़ बैंड को इस तरह इसके ऊपर चढ़ाएंगे और देखेंगे हमारा ओवरलैप तो नहीं हो रहा, अगर ओवरलैप हो रहा है दोनों को लैप कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ग्लास की प्लेट होगी, ग्लास की प्लेट नीचे रख के इसको सीमेंट से फिल करेंगे, लेवल करके एक ग्लास की प्लेट ऊपर रख के ये वेट मैं इसके ऊपर रखूँगा, ठीक है। 24 घंटे के बाद मैं आऊँगा, 24 आवर्स के बाद ये वाला वेट मैं रिमूव करूँगा, ये वाली अपर वाली ग्लास प्लेट रिमूव करूँगा, लोअर वाली ग्लास प्लेट रिमूव करूँगा, रबड़ का जो रिंग है रिमूव करूँगा, हो गया। अब इसके बाद ये जो दो लेग्स हैं, दो लेग के दरमियान डिस्टेंस मैंने नोट कर लिया है, 4 mm है, 5 mm है, 6 mm है, जो भी नोट हो गया। अब इसको मैंने रख देना है 35 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में रख देना है 35 मिनट के बाद बॉइलिंग वाटर बंद कर देना है, घंटे डेढ़ घंटे के बाद जब पानी थोड़ा सा नॉर्मल होगा इसको निकाल के इसका मैं दोबारा ये जो लेग्स है इनका जो मैंने इनिशियल डिस्टेंस दिया था और अभी फाइनल डिस्टेंस है ये मैं ये 10 mm से फर्क जो इनका है वो 10 mm से ज़्यादा है। बीच एडियर रेडियस का मकसद क्या है, यूज क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सीमेंट है वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम उसका एक्सपेंड होता है, तो कितना एक्सपेंड होता है वो हम देखते हैं। अगर एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपेंड हो, वो लिमिट क्या है कि 10 mm, अगर हमारा सीमेंट 10 mm से कम एक्सपेंड हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर इससे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है तो वो रिजेक्ट, या अगर रिजेक्टेबल नहीं भी है तो उसको हम दोबारा देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के कि वो दोबारा अपने इनिशियल पोजीशन